राजस्थान पंचायती राज शिक्षक संघ के 250 शिक्षकों ने आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष संपत सिंह ने इन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक संघ की सदस्यता ग्रहण करवाई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष संपत सिंह ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है। राष्ट्र हित में व शिक्षकों के हित में हमेशा यहाँ संगठन में बात की जाती है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्यता ग्रहण करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे विचार केंद्रित संगठन है, हमारा एक निश्चित विचारधारा है, शुद्ध राष्ट्रवाद के लिए और सामाजिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को क्रियाएं करने वाला संगठन है। आज विश्नोई ने अपनी टीम के साथ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्यता ग्रहण की। मानता हूं कि अपनी विचारधारा के लिए वे अपने विचारधारा के संगठन में इन्होंने स्थान ग्रहण किया। अब निश्चित रूप से ही सक्रियता के साथ, सजगता के साथ संगठन को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। वहीं राजस्थान पंचायती राज शिक्षक संघ से 250 कार्यकर्ता ने आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्यता ग्रहण की, मैं उनको बधाई देता हूँ। वहीं पंचायती राज से शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सुभाष विश्नोई ने बताया कि मैं एक ऐसे संगठन में आया हूँ जो राष्ट्र हित में काम करता है, यहाँ पर हर कार्य का लेखा जोखा होता है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जोधपुर जिलाध्यक्ष रूपाराम खोजा, प्रदेश के रूपाराम रलिया, पूर्व जिला अध्यक्ष केशव राम डूडी, लाला राम भाटी, नरेश सोलंकी, निम्बा राम डूडी, श्याम सजाड़ा, वीरम राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय विचार केंद्रित संगठन है। हमारी एक निश्चित विचारधारा है, शुद्ध राष्ट्रवाद के लिए और सामाजिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को ध्येय मानकर क्रियाएं करने वाला संगठन है। इसलिए मैं कहूँगा कि आदरणीय विश्नोई जी ने अपनी विचारधारा के संगठन में स्थान ग्रहण किया है। मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी संगठन को त्यागा है। मैं कहूँगा ये इनका जो विचार था उस संगठन में प्रवेश उन्होंने आज किया है। हो सकता है इनको लाने में, समझने में और हमारे द्वारा समझाने में किंचित कदाचित कहीं कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन आपका जो विचार था आप उस स्थान पर आए हैं और निश्चित रूप से सक्रियता के साथ, सजगता के साथ संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा और हमारे पूरे राजस्थान के जोधपुर के शिक्षक संघ राष्ट्र की टोली का मानना है। इसलिए आपका स्वागत है और संगठन को ऊंचाई तक ले जाएंगे, ऐसा विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने शेखावत का जो है दामन थामा था, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बात बड़ी स्पष्ट है। मैं अभी जो भाई साहब बिश्नोई जी के लिए कह रहा था वही उनके लिए कहूँगा। उनकी वैचारिक श्रद्धाएं हमारे संगठन के प्रति नहीं थी। हमारा संगठन राजस्थान में एकमात्र संगठन है जो हर गाँव ढाणी तक फैला है। एकमात्र राजस्थान का संगठन है जिसका हर तहसील और उपशाखा पे काम है, जिसकी 1,36,000 से ज़्यादा मेंबरशिप है, जिसका एक जयपुर के अंदर और अन्य मंडल मुख्यालयों पर संगठन के स्वामित्व का कार्यालय है, जिसका एक अच्छी संख्या का, अच्छी मात्रा का कोष है। इसलिए ऐसी जगह सब आना चाहेंगे। बड़े सरोवर में जाकर हर पशु पानी पीना चाहता है, लेकिन जब वैचारिक श्रद्धाएँ नहीं होगी तो वो टिक नहीं पाता है। तो उनकी हमारी विचारधारा के प्रति निष्ठाओं की न्यूनता के कारण उनका परावर्तन हुआ और वैचारिक निष्ठाओं की कारण विश्नोई जी का आगमन हुआ। मेरी समझ में यही एक कारण। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की
मैं आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय में एज ए मेंबर, जो भाई साहब संपत सिंह जी और रूपाराम जी डड़िया पूरी टीम की उपस्थिति में मैंने कार्यक्रम सदस्यता ग्रहण की है, फॉर फ्यूचर में संगठन के लिए शिक्षक संघ राष्ट्रीय की विचारधारा, अनुशासन, पारदर्शिता और लेखा जोखा, इन सब व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए, इनको देखते हुए मैंने इनके साथ सदस्यता ली है और आगामी शिक्षक संघ राष्ट्रीय सभी शिक्षक संगठनों में सिरमौर हो, इसी विश्वास के साथ धरातल से पूरी टीम के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे। सुभाष विष्णु, सर आपके साथ कितने लोगों ने और सदस्यता? लगभग 210 लोग मेरे साथ आज यहाँ इनरोल्ड हुए हैं, अभी हमने रजिस्टर में साइन वाइन हो गए उनके। 210 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और फिर भी कुछ लोग दूर दराज और बीएलओ की ट्रेनिंग के कारण नहीं आ पाए। लगभग 500 लोगों का हमारा एक ग्रुप है।